जांजगीर चांपा जिला अंतर्गत आने वाले तीनों विधानसभा जांजगीर चांपा से रविंद्र द्विवेदी, पामगढ़ से गोरेलाल बर्मन, अकलतरा से ऋचा जोगी, जो कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की बहू ने छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस पार्टी से तीनों विधायक प्रत्याशियों द्वारा भारी संख्या में बाइक एवं पैदल रैली निकालकर जिला कलेक्टर के कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन फॉर्म भरा। इस संबंध में अकलतरा प्रत्याशी ऋचा जोगी ने कहा कि हमारे मुख्य मुद्दा अकलतरा में पहले डर एवं आतंक के वातावरण से अकलतरा वासियों को बाहर निकालना है। इसी कड़ी में पामगढ़ प्रत्याशी गोरेलाल बर्मन ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने आखिरी समय तक मुझे धोखे में रखा और अंततः मुझे टिकट नहीं दिया। मैं जगे हुए जमीन का इंसान हूँ और पामगढ़ की धरती सभी को जगाने वाली धरती है, इसलिए मैं पामगढ़ वासियों की मान सम्मान के लिए छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी पार्टी में शामिल होकर पामगढ़ विधानसभा से अपना नामांकन भरा हूँ। पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए जोगी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से आज मैंने नामांकन दाखिल किया है और 2023 के इस विधानसभा चुनाव में पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से जन भावनाओं के सम्मान के कारण मैंने यह नामांकन दाखिल किया है और हमें आशा ही नहीं पूरा विश्वास है, पामगढ़ की धरती विचार और संदेश देने वाली धरती है और इस बार पामगढ़ अपने हक हकूक मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई में हमारे साथ सब शामिल हैं और हम आम जनता के आशीर्वाद से बहुत अच्छे मतों से चुनाव जीत रहे हैं। आप पहले कांग्रेस में थे, अब जोगी कांग्रेस में आ गए हैं, तो क्या लगता है कि? पहले मैं कांग्रेस में था, ये पूरा छत्तीसगढ़ नहीं पूरा भारतवर्ष जानता है, और कांग्रेस से अचानक जोगी कांग्रेस में मेरा आने का कारण है, मानव जीवन में सबसे बड़ी चीज होती है मानवता। अगर मानवता आप में नहीं है तो आप में कुछ भी नहीं है। और राजनीति में तो वो लोग आते हैं जिसमें सेवा करने का जज्बा होता है, राजनीति तो एक जनसेवा का माध्यम है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में मानवता और जन सेवा। पिछले बार आप दूसरे नंबर पे आए थे, तो इस बार क्या उम्मीद लगाएंगे? इस बार पहले नंबर पे मैं आ चुकी हूँ जी। तो किन मुद्दों को लेकर आप लोगों के बीच जा रहे हैं? सबसे पहला जो मुद्दा तो नहीं बोलना चाहिए, एक बीमारी है, एक श्राप है, वो है आतंक। अकलतरा में आतंक है, आतंकित है अकलतरा की एक एक जनता। उस आतंक से मुझको उनको छुड़ाना है। 1947 में हमारा भारत आजाद हो गया था, लेकिन अकलतरा अभी भी आजाद नहीं हुआ। जांजगीर चांपा से राजेंद्र रत्नाकर की रिपोर्ट, बस देखते रहिए सी डिवीजन टीवी।